कोरोना वायरस की जंग से लड़ने में जहां कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी व पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद इन कोरोना योद्धाओं को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी होना पड़ रहा है। जी हाँ, बिलासपुर जिले के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर चांदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में जुटे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स व सफाई कर्मचारियों द्वारा एक हफ्ते की ड्यूटी के देने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया था, ताकि इस संक्रमण को किसी भी हाल में फैलने से रोका जा सके। वहीं कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे इन लोगों द्वारा अपना 14 दिनों का समय पूरा करने के बाद बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में अपनी ड्यूटी देने पहुंचे इन कोरोना योद्धाओं को अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व नर्सों द्वारा फूल भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश नजर आए। वहीं डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में बतौर स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी निभाने के लिए संतोष पाठक का कहना है कि अस्पताल परिसर में जिस तरह से उनकी टीम का स्वागत हुआ है, उससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से घबराने के बजाय WHO द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइज करने, अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। दिन के लिए सिवा डेडिकेटेड सेंटर में डिप्यूट किया गया था और 7 दिन के लिए वहाँ ड्यूटी करी और फिर मुझे 14 दिन के लिए वहाँ क्वारंटाइन किया गया। अब आज मैं अपनी ड्यूटी रिज्वाइन करने आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा वेलकम करा और मैं बहुत खुश हुई। इतनी अच्छी तरह से मेरा वेलकम हमारी पूरी टीम का जो यहाँ से डिप्यूट किए गए थे और बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और हम दोबारा ड्यूटी के लिए भी तैनात रहेंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे, डरे ना इस महामारी से, कोई डरे ना, इस बीमारी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको ही फॉलो करें, जैसे हैंड वॉशिंग है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है, जरूरत पड़ने पर घर से निकलना है, इससे सुरक्षित रहेंगे। और ये टच करने से ही बीमारी होती है, ये एयर में नहीं है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है इससे। नहीं, बिलासपुर में क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश आहलूवालिया का कहना है कि डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में नियुक्त की गई टीम एक हफ्ते तक अपनी ड्यूटी देने के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होती है, ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद वे इस संक्रमण को ना फैला सके। साथ ही उन्होंने हेल्थ टीम द्वारा ईमानदारी व निष्पक्ष भाव से मरीजों का इलाज करने की भी बात कही। चांदपुर में है, वहाँ पर जो हमारा स्टाफ ड्यूटी दे रहा था, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज में जो सहयोग किया है, और ये लोग जो ड्यूटी करते हैं इनका शेड्यूल होता है एक हफ्ते ये ड्यूटी करते हैं और उसके बाद फिर दो हफ्ते ये लोग क्वारंटाइन में रहते हैं और उसके बाद ये ड्यूटी पे वापस आते हैं। तो आज इनमें से हमारा देखो स्टाफ है, जैसे स्टाफ नर्स संतोष पाठक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है सुभाष ठाकुर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन सुरेश, सफाई कर्मचारी विनोद और सफाई कर्मचारी सतीश, ये लोग अपने ड्यूटी और उसके बाद क्वारंटाइन का पीरियड ख़त्म करके तो वापस यहाँ पे ड्यूटी पे जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनका हमने जो है स्वागत किया है यहाँ पे और उनको सम्मानित भी किया है कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज के बाद में वापस ड्यूटी पे आए। हाजिर सर, किस तरह से डॉक्टर से अपनी भूमिका निभा रहे, क्योंकि इस समय जो है अहम किरदार जो है डॉक्टर्स का, किस तरह से बिलासपुर ज़िला में भी ड्यूटी कर रहे हैं? बिलासपुर ज़िला में जितने डॉक्टर जो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ में और पूरे तन मन धन से जो है वो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और जो भी यहाँ पेशेंट आता है, सस्पेक्ट पेशेंट हो या पॉजिटिव पेशेंट भी कोई रहा हो, तो उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं और जैसे ही वो आता है तत्काल उसका इलाज किया जाता है।